गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, क्लोथ्स वी वेयर। क्लोथ्स मतलब कपड़े, वेयर मीन्स हम जो पहनते हैं, ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए आज छोटी सी एक्सरसाइज है, ये पहले फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि ये इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, ये है साड़ी, सॉक्स, शर्ट एंड कैप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर सेल्फ। हम जो हमारे क्लोथ्स हैं हमें क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं खुद को। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लोथ्स जो हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, ठंड से, रेन मीन्स बारिश से, डस्ट धूल मिट्टी से, और इंसेक्ट बाइट जो कीड़े मकोड़े, जो मच्छर और मक्खी काट लेते हैं ना, इन सबसे क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे क्लोथ्स। दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, और वो हमें कैसे रखते हैं, हमारे लुक को कैसा बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं हमें। ओके, कपड़े पहनने से, जैसे फ्रॉक, स्कर्ट, शर्ट, रेनकोट, जैकेट्स। ठीक है, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं अपने सीजन के अकॉर्डिंग। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं कब, विंटर्स के दौरान। विंटर्स मतलब सर्दी के दौरान, जैसे अभी चल रही है सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना। दे कीप अस वार्म, वो हमें कैसे रखते हैं, गर्म रखते हैं। वूल ट्रैप द हीट, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। वूल क्या करती है, ट्रैप करती है हीट को, अपनी ओर खींचती है, मतलब हीट को अब्सॉर्ब करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या करती है, हीट मिलती है, गर्म वार्म रखता है हमें जो क्लोथ्स होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें वूल कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। ओके, शिप माने भेड़ होता है, उसे मिलती है, जिससे कि हम अपने बॉडी को कैसे रखते हैं, वार्म मतलब गर्म रखते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कब, समर में। दे कीप अस कूल, वो हमें कैसा रखता है, ठंडा रखता है। दे अलो हीट टू स्कैप फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी को कैसा रखता है, वो ठंडा रखता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। कॉटन का एक प्लांट्स होता है जो हमें कॉटन देता है। टी शर्ट्स, फ्रॉक, शर्ट, शॉर्ट्स, ये सारे कौन से वाले क्लोथ्स हैं, जो हमें समर में पहनते हैं हम लोग। समर मीन्स गर्मी में हम जो पहनते हैं। वी वेयर रेनकोट, गमबूट्स एंड कैरी अम्ब्रेलास ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम रेनकोट, गमबूट्स और अम्ब्रेला को कैरी करते हैं। दे कीप अस ड्राई, वो हमें कैसा रखता है, ड्राई मीन्स सूखा रखते हैं, हमें गीला नहीं होने देते, प्रोटेक्ट करते हैं हमें रेन से। वी ऑल्सो वियर गमबूट्स टू कीप अवर फीट ड्राई, हमको कैसा रखते हैं, ड्राई रखते हैं। हमारे गमबूट्स हम वियर करते हैं, वो हमारे फीट को, इनके पैरों को कैसा रखते हैं, ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं। रेनकोट, गमबूट्स, अम्ब्रेला, ये सारे क्या हैं, ये हमारे रेनी सीजन के क्लोथ्स हैं जो हम वियर करते हैं। ऐसी ये एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड द राइट नेम ऑफ सीजन इन विच दे आर वॉर्न। इन सब जो आपको क्लोथ्स रखे, इनकी पिक्चर्स बनी हुई, इनको आइडेंटिफाई करना है, क्लोथ्स के नेम लिखने हैं पहले, फिर देन कौन जो सीजन में ये पहने जाते हैं वो सीजन यहाँ पे लिखने से। ये फ्रॉक है तो फ्रॉक लिख के कौन से सीजन में पहना जाता है, समर में, तो समर लिखना है। स्कर्ट लिख के समर पहन, समर। ठीक है, इस टाइप में आपको ये बुक में फिल करना है। ये भी आपको क्या करना है, बुक में फिल करना है पूरा का पूरा लिख करके, देन सीजन इसके लिखने हैं अकॉर्डिंग टू नीचे। सेम एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपको बुक में ही फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए, पीपल ऑल्सो वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स पहनते हैं। और डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन एक्सेट्रा वियर यूनिफॉर्म एट देयर वर्क प्लेस। अपने वर्क प्लेस पर हर एक इंसान कैसा करता है, अपनी यूनिफॉर्म कैरी करता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स, जैसे आप डॉक्टर्स को देख रहे हैं, आप नर्स को, पोस्टमैन को, पुलिसमैन को देख रहे हैं ना, अपनी वियर एंड यूनिफॉर्म वियर की हुई है। तो इस तरीके से हम अपने वर्क प्लेस पे, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम अपनी यूनिफॉर्म कैरी करते हैं। वी ऑल्सो हैव टू वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। स्कूल में भी अपनी यूनिफॉर्म कैरी करके रखते हैं। ओके, कैरी पहनते हैं। अपनी यूनिफॉर्म के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। जहाँ जिस चीज जगह की यूनिफॉर्म हमें चाहिए होती है, वो हमें ज़रूरी होती है। जैसे स्कूल जाने के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म, ठीक है, और पार्टी में जाने के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स वेयर करते हैं। ओके, ये आपका चैप्टर क्लास फिनिश हो चुका है। अब आपके आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है, वो आपको मैं फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्स की, तो
प्रेषण करते रहिए और याद करते रहिए. ओके क्लास, थैंक यू, बाय.